गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलो दोस्तों ऑफिस चले, कुकू दीदी इज लेट। अभी कुकू दीदी सीरी को बोलेंगे कि मेरी कोलीग को मैसेज कर दीजिए, आई एम रनिंग लिटिल लेट। बाय द वे बहुत ही कम दिन रह गए हैं मूव होने के लिए, और हमने अभी तक बॉक्सेस भी नहीं मतलब के कलेक्ट करे। चाचू को कब से कह रहे हैं ये मूव इन फ्री बॉक्सेस मिल रहे हैं, प्लीज यहाँ से पिक कर ले, ये मिल रहे हैं, फिर हम रह जाते हैं, पिक करने नहीं जा पा रहे। मुझे ऐसे टेंशन सी हो रही है कि भाई कैसे होगा। एंड ही इज लाइक क्यों इतनी टेंशन लेती है, हो जाएगा हो जाएगा। ऑन हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट अभी उठा हूँ, फाइनली बाल मेरे अभी उठते ही सेट हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कटिंग का फायदा हो गया है। और आज है बहुत सारा, बहुत 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 सारा काम। कीरत की वीडियो एडिट करनी है, क्योंकि पहले तो उसे प्रॉमिस किया था कि वो करेगी अपनी एडिट, बट अब उसकी रूटीन भी बिजी है, मुझे भी पता है, तो मैं वो एडिट करूंगा और उसके बाद अपना काम करना है और फिर अपनी भी वीडियो एडिट करनी है। तो आज बनने वाली है बैंड। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट कहते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट, सबसे पहले जाते हैं वॉशरूम और उसके बाद खाते हैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद करते हैं काम शुरू, क्योंकि आज लगने वाली है मतलब तगड़ी वाली, बट मजा आएगा। सुपर एक्साइटेड टू एडिट हर वीडियो बिकॉज उसने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है और हमने अपने कैमरे से शूट किया है उसको, मतलब दैट्स फर्स्ट वीडियो जो हमने अपने पूरे कैमरे से शूट किया है। आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से वो वीडियो बन के आई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, क्योंकि जब तक ये व्लॉग आएगा वो डल चुकी होगी। हम मेरे को कभी कभी लगता है पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हो रही होती है, बट एनीहाउ जब तक ये वाला ब्लॉग आएगा वो वीडियो डल चुकी होगी। सो प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो प्लीज जाके देख के आना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये वाला उसका थंबनेल है एंड बहुत सारा प्यार देना। अब सब में यार क्या खाना खाया जाए। ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम राइस केक और एग वाइट्स, धनिया निकाल लिए, प्याज और टमाटर भी डालेंगे इसमें। ब्रेकफास्ट रेडी। अभी मैंने काम शुरू किया था और मुझे फोन आता है घर से कि इंडिया में गाड़ी का कुछ थोड़ा सा थोड़ी हिट होगी कहीं पे, ठीक है, मतलब लगती रहती है उस गाड़ी सड़क पे। तो फिर गाड़ी मेरे नाम पे, तो मॉम डैड को मुझे फोन आया कि कह रहे कि भाई तू लेटर लिख दे, क्योंकि गाड़ी तेरे नाम पे, इंश्योरेंस क्लेम लेना होगा अगर तो जरूरत पड़ेगी तेरे लेटर की, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारी बात इसलिए बताया, मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग मैंने इतने टाइम बाद देखी है ना, देख के हंसी आ गई। तो मैंने भी लेटर लिखी है, मैं अपनी मम्मी पिताजी को भेज रहा हूँ लेटर, मुझे भेजने पे शर्म आ रही है, वो क्या बोलेंगे कि यार तेरी थोड़ी तो हैंडराइटिंग ठीक कर लेता अपनी। तो अगर आप कनाडा आते हो या कहीं पे भी इंटरनेशनली जा रहे हो, सो प्लीज अगर आपकी इंडिया में कोई एसेट्स हैं तो मेक श्योर करना कि क्या आपके पीछे से वो सारा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस तो छोटी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है या कोई बैंक अकाउंट है तो प्लीज मेक श्योर दैट। दोस्तों इतना बिजी चल रहा है सुबह से, 2 बज के लंच नहीं किया, सो आई एम गोना हैव इट नाउ। फ्राइडे को यहाँ पे फूडी फ्राइडे दोबारा स्टार्ट हो गया, सो आर कंपनी ऑर्गेनाइजेस लाइक फूडी फ्राइडेज, लाइक दे ऑर्गेनाइज स्नैक्स ऑन फ्राइडेज और हमेशा लेफ्ट ओवर वगैरह बच जाता है, सो आई एम गोना ईट दैट टू। वी गॉट लज़ानिया, वेजी लज़ानिया। बाय द वे पेपर से आप कवर कर सकते हो ताकि पूरा ये माइक्रोवेव खराब ना हो, एंड थोड़े से पानी के छींटे मारोगे तो ये उड़ेगा नहीं। Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind, इतना sad scene हो गया है मेरे साथ, इतना sad scene हो गया। मैंने कीरत की वीडियो ऑलमोस्ट 1/4 एडिट कर दी एंड उसके बाद मुझे पता लगता है कि कुछ रेजोल्यूशन में ना मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी, और पता लगता है कि मैंने रेजोल्यूशन कम वाला सेलेक्ट कर लिया था और वीडियो हायर पे बनाई हुई है और कोई फायदा ही नहीं हुआ इतनी हायर पे बनाने का, जब तुम अब वो सारा फिर से करना पड़ेगा, टेक्निकल बात है, सारा काम फिर से करना पड़ेगा जो 40-50 मिनट्स लगाए। शिट, कीरत की वीडियो फर्स्ट ड्राफ्ट कट गया, बहुत प्यारी लग रही वीडियो, बहुत प्यारी, सुपर एक्साइटेड, मतलब मुझे अपने वो प्रैक्टिकल ज्ञान के डेज के टाइम याद आ गए। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देखा तो प्रैक्टिकल ज्ञान season 1 और 2 देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो मार्केटिंग हुक के चैनल पे है। और बहुत ही सून मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि हाउ आई एडिट, व्हाट इज द गियर आई यूज,
इंटायर जर्नी ऑफ एडिटिंग सो दैट आप भी सीख सको, कीरत को भी सिखाना है, साथ साथ हम सब ग्रो हो जाएंगे. तो अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो आई थिंक दिस वुड रियली हेल्प. तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप मार्केटिंग हुक के चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. और अब मैं लूंगा छोटी सी ब्रेक, सैलेड काटने की हिम्मत नहीं हो रही दोस्तों. दोस्तों आज तो टाइम लैप शूट करने का भी टाइम नहीं मिला. आई वॉज लाइक सो सो बिजी एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम. काफी हद तक मैंने काम कर लिया आज. फीलिंग गुड. मेरा ना ये प्लांटी 3 साल पुराना है. It survived so long and now it's dying. मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था इसमें. It's Brazilian violets. I'm so sad. But मुझे लगता है ये दोबारा लाइफ में आ जाएगा. I think so. By the way, कल मेरे फ्रेंड्स के साथ गरबा नाइट पे जाने का प्लान बन रहा था एंड हम प्लान कर रहे थे कि क्या पहन के जाएं क्या नहीं. फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने कॉल करा कि टिकट्स के बारे में पूछने के लिए कि टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं. तो उन्होंने कहा ओ एक्चुअली ये जगह तो किसी ने खरीद ली है तो गरबा नाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन हमने अपनी साइट पे अपडेट नहीं किया. सो नो गरबा नाइट गाइस. When the old one's gone under the knife and I can feel the sun. Coo-coo. ये इतनी टेस्टी, क्या नाम है इसका? अलसी की पिन्नी है ये. भाई बड़ी स्वाद आइटम है ये. गाइस ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी है. गरम करके 30 सेकंड्स. दोस्तों आज जिम जाने का दिल नहीं कर रहा, सो वी गोना गो फॉर वॉकी वॉकी. पूरा बताना, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक और वहां जाके हमने पिज्जा पिकअप करना है. बस हमारी मूव होने की तैयारी चल रही है, पैकिंग शैकिंग. तो खाना खुना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, सो सोचा बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं. ओहो ये कितने बड़े बड़े फ्लावर्स. मैंने यार पेड़ पे पहली बार ऐसे फ्लावर्स देखे. अरे देख गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल है यार ये. आपको क्लोजअप दिखाती हूँ फ्लावर का, इतना बड़ा फैन. जो साइज दिखा, हाथ लगा, मेरे तो हाइट नहीं पहुंच रही. कीरे ज्यादा क्लोजअप दे ही नहीं पा रही गाइस. अच्छा ये मेरा हाथ है, इतना बड़ा फ्लावर है. और तू एक बार ये हाइट लगाने की कोशिश करियो, मैं देखना कितनी हाइट पे है. एक बार बोल दे. धीरे धीरे. ये मेरा हाथ है और इतना बड़ा फ्लावर है. ओ बेबी सो रहा है एक्चुअली, मैंने हिला दिया. कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे प्यार की थपकी दी है तूने उसको. आजा चल चल. गुड नाइट. बहुत सुंदर था यार ये नंगे नंगे पेड़. लॉजिकली बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक बात है. ये सारे पेड़ रात को इस वाले पेड़ को सीटियां मारते हैं. आजा मेरे पास, आजा मेरे पास. बहुत बड़ी साइंटिफिक बात है, ट्रू स्टोरी. और कुछ? हाँ सीटी मार. आजा मेरे पास, आजा. हम तू मेरा फोटोशूट कब कर रहा है? पोस्ट चेरी, चेरी ब्लॉसम पेड़ों के साथ. संडे को कर लेंगे. तब तक सारे पता है मेरे ऑफिस के बाहर जो इतने ब्यूटीफुल नहीं थे, सारे झड़ गए आज. ओहो सारे किसी नंगे पेड़ ने उनको रात को बुला तो नहीं लिया था. आजा मेरे पास, आजा मेरे पास. ये गाइस ध्यान से देखो, ये सारे लौंडे पेड़ है, ये पतझड़ में खड़े हैं. ये अपने कुकू का इंतजार कर रहे हैं. आजा मेरे पास, आजा मेरे पास. दे नीड बाबू, दे एक बार इनको प्यार से देख. दे नीड समबडी डू. ओहो ये पता है मेक ओवर की वेट कर रहे हैं. ब्यूटीफुल भूल गया तो फॉल. अच्छा सुंदर सुंदर इनके पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर के आएंगे और फिर फॉल में येलो रेड ऐसे हो जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं विंटेज में, तो ऐसे नंगू नंगू हो जाते हैं. अच्छा मेरे पास. गाइस अगर आपको ये जोक बढ़िया लगा तो कमेंट्स में लिखना आजा मेरे पास. गाइस बाय द वे टेंपरेचर है 5 डिग्री. हां गाइस एकदम से दोबारा से ओ एक्सीडेंट हुआ लग रहा है. एक्सीडेंट भी मुझे पता क्या लग रहा है. क्या
और ये देखो टर्न लेगी। दो एम्बुलेंस है ही नहीं, एक फायर ब्रिगेड आ गया। एम्बुलेंस एम्बुलेंस तो अवेलेबल नहीं ना होगी। गाइस यहाँ की पुलिस इतनी केयरिंग है ना, कहते हैं ग्रास पे मचला वोमिट हुई है, बच के ध्यान से। बड़ी केयरिंग है यार यहाँ पे, मैंने देखा है। छोटी छोटी बात है, ध्यान से ध्यान से। बोलो कि देख पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। वो बंदा ड्राइवर था, जो लड़का नहीं खड़ा था जो इशारा कर रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। वो टैक्सी ड्राइवर था, ये हाँ। पैसेंजर था और इसे दारू भी हुई थी। ओ, उबर वगैरह। हाँ, तो इसने बीच में शुरू कर दिया हंगामा करना। हाँ, 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 क्योंकि वो दूसरा बंदा तो ओके था। हाँ, हाँ, तो उसने डर के मारे गाड़ी सोच के पुलिस को कॉल कर दिया कि भाई मुझे आके बचाओ। भाई जब भी हम वॉक करने जाते थे ना, मैं कीरत को हमेशा बोलता था कि मेरे को इससे जरूर पिज्जा खाना एक दिन। बड़ी ये इंडियन जगह है ना। हाँ। और बड़ी ऐसे ना तगड़ी खुशबू आती है जैसे। अरे हमने भी पनीर टिक्का ऑर्डर किया। गाइस इनके देखो वेजी मेन्यू में क्या मिलता है, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, पिज्जा, शाही पनीर, शाही पनीर पिज्जा, स्पेनिश पिज्जा और वेजी पिज्जा। दैट्स इट। This morning has so clear a light as any to see the horizon and the coffee party mein chal rahe 20 chicken wings. Are badhiya lag raha party pack. Yeah. Nice. Medium order kar lete, kaun sabhi ke jayenge. Hum to bola tha tere ko. Oh, looks so good. Chalo. Kya acha. Usse laga ki hum do dash wale. आज हम अपने फेवरेट स्पॉट पे डिनर करेंगे गाइस। सारे लोग देख रहे हैं कि कौन सा फेवरेट स्पॉट है। अरे बड़ा फैंसी स्पॉट है वो। पूरे कनाडा में ये स्पॉट एक ही है। ट्रू स्टोरी। आई नो। गैस हो गई है 184.9 और मैं नोटिस कर रही हूँ हफ्ते से 194 ही चल रही है। सो स्टेबल हो गई है इस पे। और 190 भी देखी थी मैंने। हम अपने स्पॉट पे पहुँच गए हैं गाइस। ये पूरे कनाडा में एक लौते ही बेंच है। ऐसे बेंच और है, बट ये वाला एक ही है। ये वाला एक ही वन एंड ओनली स्पॉट। यहाँ पे आकर हम अपने सपने बुनते हैं। बहुत बार आगे में ही बैठते हैं हमेशा। और ऐसे कितनी देर बैठे रहते, रात को एक दो बजे भी। लेकिन आज यहाँ पे डिनर पहली बार कर रहे हैं। यस। दूर से आपको हम होमलेस लगेंगे, बट हमें नहीं। सो भाई साहब कैसा लगा आपको? मुझे टेस्ट लगा। अच्छा तुझे? अच्छा बट कीरे को पनीर वाले पिज्जा पसंद नहीं है। मुझे पसंद है। I'm not too big of a fan of paneer, but this is good because this is paneer tikka. पूरी स्ट्रीट फूड वाली फीलिंग आ रही है। स्ट्रीट पे बैठे खा रहे हैं हम। बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां देखने को मिलती हैं। अभी आ नहीं रही बट आएंगी। मिट्टी नाम की है, बिल्कुल उड़ ही नहीं रही। उड़ भी रही हूँ मैं, इंडिया से आया हूँ, चलता है। वो देखो मून, मूनलाइट डिनर किया हमने। लेट्स गो दोस्तों। बनी देखो बनी। हेलो बनी, हेलो बनी, ओके बाय बाय बनी। सो दोस्तों आज का दिन फ्लॉप टाइप भी रहा काम वाइज, क्योंकि पहले ऑफिस का काम करता रहा, फिर कीरत की वीडियो रेंडरिंग नहीं शुरू की और अपनी वीडियो का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आज हमारे चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाया मैं। बट कोई बात नहीं, जब भी ये वीडियो आएगी कोशिश करूँ कल सुबह जल्दी उठ के करूँ या एडिट, बट जब भी आएगी आप बहुत सारा प्यार देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।